दोस्तों, अभी मैं ऊपर आया हूँ और मैंने देखा है कि हमारा मिट्ठू बीमार हो रहा है। इससे चला भी नहीं जा रहा। अब देखें, देखें, पहले जब मैं हाथ लगाता था तो ये काटता था, लेकिन अब इसमें काटने की भी हिम्मत नहीं है। देखें, अब थोड़ा बहुत चल तो रहा है ये। थोड़ी देर पहले ये तो बिल्कुल गिर गया था। बहुत ज़्यादा सीरियस मामला हो चुका है। आप दुआ करें ये जल्द सहतियाब हो जाए। माशाल्लाह अब थोड़ा थोड़ा चलने लग गया है। आप बस इसके लिए दुआ करें। अभी हमारे बाबा गए हुए हैं कई काम पे और इस वजह से हमने इसको नहीं पकड़ा अभी तक, वरना हम पकड़ के इसको देखते क्या मसला है इसको। अभी जल्दी से बाबा आते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। इसकी बहुत सीरियस हालत हो गई है। मिट्ठू, मिट्ठू बेटे, चलो खड़े हो जाओ। शाबाश, शाबाश। देखें दोस्तों, कैसे इसकी आंखें बंद हो रही हैं। बहुत ज्यादा सीरियस हालत हो चुकी है इसकी। आप दुआ करें ये जल्द से जल्द सहतियाब हो जाए। दोस्तों देखें, इसकी आंखें बंद होना शुरू हो गई हैं। मुझे अब नहीं लग रहा कि ये बचेगा। मुझे बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है, क्योंकि बहुत प्यार से हम इनको लाए थे। देखें, ये हमारे बाकी मिट्ठू हैं। माशाल्लाह ये ठीक है बिल्कुल। इसको अचानक से पता नहीं क्या हो गया। आप हमारे मिट्ठू के लिए दुआ करें। दोस्तों माशाल्लाह ये चलने की हालत में आ चुका है। देखें, पता नहीं इसको क्या हुआ है। ये बस बैठा ही हुआ है। दोस्तों हमारे बाबा आ चुके हैं। देखें इसकी हालत। दोस्तों देखें, अभी हमने इसको दवाई पिलाई है, इसको चेक किया है, पता नहीं इसको क्या हुआ है अचानक से ही। लेकिन बस पता नहीं क्या हो गया इस बेचारे को। आज तकरीबन ये 12 बजे के बाद, 12 बजे तक बिल्कुल ठीक था। खाना इसने दाना भी खाया है, इसको सेब डाला है वो भी खाया है, तो समझ नहीं आ रही है। बहरहाल हमने इसको सिरप पिला दिया बुखार का, तो आप लोग दुआ करें कि ये सर्वाइव कर जाए। इसकी हालत बहुत ख़राब हो रही है, समझ नहीं आ रही। बिल्कुल ये जब लेके आए तो उस वक्त भी फिट थे, अभी 8-10 दिन हो गए मेरे पास हैं, तो अभी तक इनको कोई मसला नहीं था। अचानक इसकी तबीयत ख़राब हो गई है, पता नहीं अब क्या हुआ है। बच्चे भी परेशान हो रहे हैं, मुझे खुद भी परेशानी है। बस दुआ ही कर सकते हैं हम, और क्या करें। बेचारे की हालत देखी नहीं जा रही हमसे।
अल्लाह ताला अपना करम करे, क्योंकि अभी नया नया शौक कित किया हमने, ये दुआ करें अल्लाह ताला इसको सेहत दे। दोस्तों बहुत ही दुख हो रहा है आपको बताते हुए कि हमारा मिट्ठू जो है वो एक्सपायर हो गया है, बहुत दुख हो रहा है हमें। ये देखें बच्चे भी मेरे रो रहे हैं बहुत ज़्यादा, और मानूर तो बहुत ज़्यादा रो रही है, इसको बहुत ज़्यादा दुख हुआ है। बस जी अल्लाह की रज़ा है इसी में, तो आप क्या कह सकते हैं। कमर भी रो रहा है, ये सुबह से थोड़ा थोड़ा ढीला महसूस हुआ था, लेकिन 12 बजे तक बिल्कुल ठीक था। इसने सेब भी खाया है, दाना भी खाया है, पता नहीं जी अब अल्लाह बेहतर जानता है इसको क्या हुआ अचानक ही, बिल्कुल ठीक ठाक था ये। बहरहाल जो अल्लाह को मंजूर होता है वही होता है। अल्लाह ताला जो है बाकी जो हमारे परिंदे हैं उनको ज़िंदगी सेहत तंदुरुस्ती वाली दे, अल्लाह ताला आपके परिंदों को भी ज़िंदगी सेहत तंदुरुस्ती दे। बहुत नुकसान हुआ है, बहुत अफसोस लग रहा है, लेकिन क्या किया जा सकता है। कोई इसको ज़ख़म नहीं है, मैंने सब कुछ चेक किया, इस पर कोई ज़ख़म नहीं है किसी किस्म का, क्योंकि अभी एक्सपीरियंस भी नहीं है इनका, तो पहली दफ़ा मैं लेके आया था, तो अभी कुछ पता नहीं चल रहा है इसका क्या हुआ है, इसको क्या नहीं हुआ। खैर अल्लाह ताला बाकी परिंदों को सेहत तंदुरुस्ती दे जी, आपके परिंदों को भी, क्या किया जा सकता है, ये अल्लाह की रज़ा है।